दोस्तों जैसे ही दूर की ओर जाएंगे तो नहीं जलता हुआ नहीं दिखेगा, और जैसे ही सामने आएंगे इस बड़े वाले वायर के जस्ट नीचे तो देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से जलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा वायर ऊपर करने से ही इसमें करंट आ जाता है इस बड़े वाले वायर से। देख सकते हैं कि इधर नहीं जल पा रहा है, लेकिन जैसे ही इस बड़े वायर के नीचे वाला जो कनेक्शन है इसके सामने जाएंगे तो देख पा रहे होंगे कि जल रहा है। अरे इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं किया हुआ है, ये जो ऊपर वाला जो वायर है ना उसके असर से जल रहा है। इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। उधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लड़ी जल रही है। तो इसके जस्ट जो जो भी नीचे है जस्ट 7, इसके जो सामने वाले हैं वो सारे जल रहे हैं और बाकी सारा नहीं जल पा रहा है। इसमें जब बिजली कनेक्शन होगा तो फिर जलेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जिस प्रकार से दोस्तों झंडा लगा था उस समय सफाई से स्टार्ट हुआ था, आज फिर सफाई से ही होने वाला है स्टार्ट, क्योंकि यज्ञ काफ़ी नज़दीक हो गया है। अभी सिर्फ 2 दिन ही बची हैं तो आज से सफाई स्टार्ट और फिर से आगे के कार्यक्रम, काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं, उस सारा चीज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जो आसपास के झाड़ियां हैं वो सबको कटिंग कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो यहां पर मिट्टियां हैं जो साइड में थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है क्योंकि ये रोड पिच नहीं है, उसको थोड़ा सा प्लेन किया जा रहा है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कच्ची रोड में दोस्तों प्लेन करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि फोर व्हीलर वगैरह आएंगे तो वो सारे में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और अगर इसको पूरी अच्छी तरह से प्लेन कर देते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसमें से जो थोड़ी बहुत अप डाउन है उसको भी लेवल किया जा रहा है, साथ में जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकल रहे हैं उसको भी मार मार के फोड़ दिया जा रहा है। तो इसको भी काफ़ी सुंदर ढंग से बनाया जा रहा है। ये है हमारे बिबल मंत्री। साथ ही दोस्तों जो साइड से मिट्टी भी कुछ खेत से लाकर जहां पर मिट्टी की ज़रूरत है उसको लाकर काफ़ी प्लेन किया जा रहा है। तो ये जो देख सकते हैं कि ढलान है काफ़ी प्लेन लग रहा है। यहाँ पर ज़रूरत है PCC की, देखते हैं कब तक बनता है। ऐसे तो ये रोड हम लोगों का बहुत। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में, ये है यज्ञशाला और इस ये भी बन के कम्प्लीट होने वाला है। इसमें जो साइड से थोड़ा झोपड़ी टाइप का बनाया जा रहा है, पुआल उवाल इस पर लग रहे हैं, तो ये काफ़ी जरूरी है। और जब ये फिनिशिंग हो जाएगा तो देखने में काफ़ी सुंदर लगने वाला है। तो फिलहाल जो पुआल है उसको हम लोग नीचे से ही बना कर ऊपर चढ़ा रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी सी सुविधा हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें लेबर भी कम लग रहे हैं, ऊपर में टाइम भी लगेगा काम करने में, और इधर कलर भी हो रहा है मंदिर का। और थोड़ा सा कलश चढ़ा लेते हैं ऊपर, ये कलश हो गया और इसको सबसे टॉप में लगाना है। सबसे पहले झंडा लगाया जाता है, झंडा लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कलश डालना है। हाँ, झंडा लहर रहा है और इसमें जो ओम लिखी है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। 3 कलश लग चुके हैं, साथ में ऊपर में झंडा है जिसमें ओम लिखा हुआ है। और दोस्तों साइड में इधर एक तरफ नहीं लगा हुआ है झोपड़ी, उस पर बनाया जा रहा है नीचे और उसको भी फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा। साथ ही काफ़ी सारे काम हुआ है, फिर भी यहाँ पर कुछ काम बाकी है, इसलिए अभी आज कंप्लीट हो जाएगा। और इधर दोस्तों पूरी तरह से पेंट हो चुका है और बीच में जो गेट है इसको भी पेंट कर रहे हैं बिरबल मिस्त्री। और कुछ देखने में अभी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका मैं अलग से ब्लॉग लाऊंगा और पूरी मंदिर का टूर दूंगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों अभी चकाचक लग रहा है। तो ये दोस्तों यज्ञशाला के साइड में दीवार टाइप का दिया जाएगा, डिजाइनिंग है और इसमें पेंट किया जाएगा तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ टेंट के बगल में आसपास पे थोड़ी बहुत झाड़ियाँ हैं, इसको साफ कर रहे हैं बबलू भैया और मंटू अंकल भी जा रहे हैं साफ करने के लिए। इधर आलेख भी साफ कर रहा है, तो सभी को मिलजुल कर काम कर रहे हैं जिसमें। तो दोस्तों ये जो मंदिर का जो पीछे का पोर्शन है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पेंट ताज़ा ताज़ा किया हुआ है। और तो दोस्तों अब इस जो यज्ञशाला के जो बाउंड्री हैं इसको पेंट किया जा रहा है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इधर ये काम भी काफ़ी जरूरी है पेंट लगने से। और इधर भी मिस्त्री लगे हुए हैं, यज्ञशाला के जो बाकी पार्ट है उसको बना रहे हैं, साथ ही सफाई का कार्यक्रम भी चल रहा है अभी तक। और टेंट में अभी तक कुछ काम हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है।
थोड़ा सा मैं ईंट पहुंचा लेता हूँ। बची कुछ जो भी ईंट थी उसको दोस्तों मंदिर के चारों ओर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर यज्ञशाला की जो साइड में बाउंड्री है इसको भी कंप्लीट करना जरूरी है और थोड़ी सी इसमें मिट्टी भर दी जाएगी। तो मिट्टी भरने के बाद देखने में थोड़ा सा ऊंचा लगेगा और दूर से भी नज़ारा लिया जा सकता है। वाओ, ये ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और देखते हैं इसमें कुछ। दोस्तों बिजली के लिए हम लोग यहाँ पर वायर खींच रहे हैं और ऊपर में जो एक लंबी वायर देख सकते हैं जो हाई वोल्टेज वाली है उसके ऊपर केवल ऊपर करने से ही यहाँ पर करंट आ जा रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तार को कनेक्ट करने के लिए। इसका आपको लाइव टेस्टिंग हम दिखाएंगे रात, क्योंकि दोस्तों अच्छी तरह से रात को दिखता है। दोस्तों ऊपर में जो ये बड़ा सा वायर लगा हुआ है जिसमें बिजली जाती है और इसके नीचे हम लोग लगाए हैं लरी, ये हल्की हल्की जलती है। अभी तो नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें जलता है, जो कि लाइन का कनेक्शन नहीं हुआ है फिर भी थोड़ा बहुत जलता है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है फिर आपको हम दिखाते हैं। इस लरी का कनेक्शन को थोड़ा सा और ऊँचा कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना लाइन का कनेक्शन से ही जलने। दोस्तों जैसे ही दूर की ओर जाएंगे तो नहीं जलता हुआ नहीं दिखेगा और जैसे ही सामने आएंगे इस बड़े वाले वायर के जस्ट नीचे तो देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से जलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा वायर ऊपर करने से ही इसमें करंट आ जाता है इस बड़े वाले वायर से। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।